साधना योग क्या मिलाना चाहिए शादी में। इस समय भी सबसे ज्यादा अगर कष्ट होता है तो हमें अपने ही कुनबा का होता है, अहीरों का। ठीक है, जाओ। श्री यादवेंद्र का नाती यश 100 रुपए की हारमाला और 1100 रुपए भागवत में। ध्यान से सुनना सब। सबसे ज्यादा इस समय योग अगर नहीं मिला रही है तो वो बिरादरी है यादवों की। अभी सुधार नहीं हुआ, और हुआ क्यों नहीं कि वो खुद ही शिक्षित नहीं बन पाए। योग जो तुम पंडित में मिलवाने जा रहे हो वो योग नहीं है। सही बता रहे हैं मेरे जा अहीर बिरादरी में अभी इतनी परंपरा चल रही है कि लड़का के बांट अगर 50 बीघा जमीन आ रही है और बिल्कुल अंगूठा छाप है और लड़की एमएससी फाइनल कर गई तो ब्याह कर दो। कहां मिला योग बताओ? अरे एक ने ना बनाओ छोटो आ कैसे बनतु है। और वो लड़की एमएससी फाइनल भैया यूनिवर्सिटी थे और उसकी शादी कर दी, योग मिलेगा ही कहां? जानवी, ये सूरत राम जी की नातनी है, इनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। बिटिया को हमेशा अच्छा मार्ग परमात्मा दिखाता रहे। तो देखो योग ये नहीं है, योग तो ये है। योग मिलाना कैसा चाहिए? किसी ने अच्छा मिलाया है हमारे ये गब्बर सिंह फौजी का, कितना बढ़िया योग मिला हुआ है। और इनको ऐसा योग और मिला दो है कि कोई काउत कर्री बात और ना कर सको तुम। बे आमे सांझ को ड्यूटी करके उनने की तुम्हें मालूम है 1500 रुपया तनख्वाह मिलते मोए और रोटी ना बनाई। उन्होंने की सुनो ये कपड़ा धोए के लाओ तुम 1500 ही मोए मिलता है। योग ये मिलाया है। शिक्षा का योग मिलाना चाहिए, पत्रा का योग नहीं होता। कम से कम इतना विचार करो कि लड़की अगर इंटरमीडिएट तुमने करवा दिया तो लड़के को बीए तक की शिक्षा वाला ढूंढना, योग तब मिलेगा। योग जित हो रही है क्या? भैंसिया घेर रहे लट्ठा कना पर धर के 50 बीघा खेत आएगा बांट में, लड़की एमएससी करेगी ताको ब्याह कर दो, ये योग नहीं है। योग होना चाहिए शिक्षा का। तो आज ओजावाद है जान दो ब्याह मारा तबहुए और अबहुए और गांव गांव है मात कितनी चतुराई थे मालूम है। और जो समाज इतना है ध्यान रखना, ये समाज इतना बहरूपिया हो गया है परीक्षित जी कि जागी जेब में 100 के नोट की व्यवस्था न होए, घर में नाज न होए, ताको तो नाम धत्ते बोहरे। और बिल्कुल गोड़ पत्तवाई मार रहे हो चलो न जाए हिल्लो न हो लठिया के सहारे तो ताको नाम धत्ते मर लो, कहते हैं ना कहते हैं। हाँ ध्यान रखियो माए पलना रखी कुर्सी पे। हमारे शास्त्री मंडल में तुम नजर उठा के देखो बा कौन पे, तो तुम्हें सबसे ज्यादा पट्टा कौन सा दिखतो है तंगड़ो बा को नाव धद्दो दादा ये अनुज के बराबर में बैठे हैं। तो समाज तो ये करता है, ध्यान रखना। ब्याह मात कैसे मालूम है? कहू गरीब आदमी के लड़का के ब्याह वाय आए दरवाजे पे पीरे चाय और वो ब्याह मारा चलो तो खरंजा बैठाना होगा। अब लड़का है बाप के तो पेट में दांत चलेगी कि बच्चों हत्यारो आएगा कहू लूंगा तो ब्याह वाहे दरवाजे बैठे हैं। सुबह ने आए कि कई लड़का है बाप के बोरे राम राम के राम राम भैया के तुम्हें मालूम है वो कि बहुत बुरा नियम लिखा दो गवर्नमेंट ने का लिखा दो कि 50 रुपया पूछ टैक्स की लग गई लखनऊ ते चाहे भैंस हो चाहे बैल हो चाहे गाय हो चाहे घोड़ी हो 50 रुपया देने पड़ेंगे। और पीछे देखी कि बोरे चिंता मत करियो तुम्हें का चिंता ना तुम पे पूछ ना वो पे पूछ है वो कौन ध्यान रखना नाम बता दो ना।
सौर राजपूत कौन सा विजयनगर विजयपुरा से धन्यवाद।